आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। यानी कि आपको इसका इवेल्यूएट करना है और इसका प्रोडक्ट करना है, वो भी सीधे गुणा किए बिना। इसके बीच में गुणा का चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका गुणा कर दे, डायरेक्टली गुणा करना नहीं है आपको, और फिर भी आपको इसको इवेल्यूएट या सरल करना है। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी की हेल्प से हम करेंगे। उस आइडेंटिटी का यूज हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। यदि आपने इससे प्रीवियस क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखा हो तो इससे पहले उसको देख लें। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? आइडेंटिटी लगेगी x प्लस ए और x प्लस बी के प्रोडक्ट वाली। इस आइडेंटिटी का इक्विवेलेंट आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को इवेल्यूएट करेंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन है 103 का मल्टीप्लीकेशन 107 से। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 103 को 100 प्लस 3 एंड इसको क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 7। ठीक है, आप इसको इक्वेशन 1 दे सकते हो। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन बाय एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण एक की तुलना एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी से करने पर। ठीक है बेटा, तो जब भी हम तुलना करते हैं, जब भी हम कंपेयर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। तो x x की प्लेस पर 100 है, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पर 100 आ रहा है, विच इम्प्लाइज करके लिख लो। a की प्लेस पर आ रहा है 3 और b की प्लेस पर यहाँ पर आ रहा है 7। ठीक है बेटा, अब ये जो आइडेंटिटी होती है इसकी हेल्प से हम डायरेक्टली इसको सोल्व करेंगे। तो सिंस बेटा x प्लस ए और x प्लस बी का प्रोडक्ट जो होता है, होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो आपको बस वैल्यू पुट करना है। देयरफॉर x की प्लेस पर यहाँ पर 100 है, 100 प्लस a की प्लेस पर 3, 100 प्लस 7, ये हो जाएगा 100 मतलब x मतलब 100 का स्क्वायर, a मतलब 3, b मतलब 7, x बाहर मल्टीप्लीकेशन में यानी 100 मल्टीप्लीकेशन में है और 3 और 7 का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर। कैसे फाइंड करेंगे, तो 100 का स्क्वायर होगा 100 इंटू 100। अब एक बात ध्यान रखें, 100 का मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको पूरा मल्टीप्लीकेशन करना नहीं है, 1 जा 1 किया और ये 2 और 2 4 जीरो इसके पीछे लिख दिए। बात समझ में आ रही है बेटा, तो ऐसे ही आपको 100 का स्क्वायर या क्यूब फाइंड करना है। ये हो जाएगा 10 into 100 प्लस 21, ये हो जाएगा 1000, 10000 प्लस 1000 प्लस 21, तो 10000 प्लस 1000 प्लस 21 ये हो जाएगा 10021। ठीक है बेटा, तो आपने बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए इसको एवेल्यूएट कर दिया है, यही आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसके सॉल्यूशन में आपको सेम टू सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था। तो हम 95 और 96 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो 95 और 96 को हम क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, मैं आपको पहला बताता हूँ फिर दूसरा बता दूंगा। आप इसको लिखोगे 90 प्लस 5 मल्टीप्लाई 90 प्लस 6। ठीक है, और इसको दे दोगे इक्वेशन 1। क्या लिखोगे, समीकरण नंबर एक की तुलना किससे कर रहे हो आप, x प्लस ए x प्लस बी से करने पर। जब भी बेटा तुलना करोगे आपको वैल्यू पुट करना है। नेक्स्ट रो में आप विच इंप्लाइज लगा के x की प्लेस पर कौन आ रहा है, 90 x 90 90 x 90। ठीक है, a की प्लेस पर आ रहा है 5 और b के प्लेस पर आ रहा है 6। ठीक है बेटा, अब आप क्या करोगे, सिंस करके लिखोगे आइडेंटिटी, सिंस x प्लस ए
और x प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए इंटू बी। ये आइडेंटिटी मैंने आपको बेसिक लेक्चर में भी बताई, इसको याद कर लेना है, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पर है 90, तो 90 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब 5 प्लस 6 का आपको ऐड करना है, और 100 से यहाँ पर क्या कर देना है, सॉरी 90 से आपको क्या कर देना है मल्टीप्लाई, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर क्या है 90, और a इंटू बी मतलब 5 और 6 का मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा 8100। क्या सर ये कैसे फाइंड किया? तो बेटा 90 का स्क्वायर यानी कि 90 इंटू 90, 9 9 81 और 20, समझ आया? 5 और 6 11 इंटू 90 प्लस 5 6 हो गया यहाँ पर बेटा 30 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8100 प्लस ये हो जाएगा 11 9 99 प्लस 30। इसको ऐड करना है, तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ऐड करने में, तो आप इसको इस टाइप से अरेंज करके ऐड कर लें, ठीक है। कर दो एडिशन, क्या हो जाएगा 0 9 3 12 9 10 1 11 और ये 9120। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन सेकेंड को आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, तो क्या है वो दूसरा तरीका, शुरू करते हैं। आपको कैलकुलेशन इजी बनाना है, बहुत आसान बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे 95, तो ये 100 के करीब देखते हैं, 100 से कितना कम है, तो आप 95 को लिखोगे 100 माइनस 5। क्या ऐसा लिख सकते हो? आप 96 को क्या लिखोगे, 100 माइनस 4 लिखोगे। बेटा मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? फिर इसको मैं ऐसा लिख दूंगा 100 प्लस माइनस का 5 ब्रैकेट में, ठीक है। इसको फिर मैं लिख दूंगा 100 प्लस माइनस का 4 ब्रैकेट में। क्या ये चीज समझ में आ रही है? इसको कंपेयर कर, इसको दे दिया इक्वेशन वन, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन बाय किससे करेंगे बेटा, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी से। जैसे ही हम कंपेयर करेंगे वैल्यू मिलेगी, एक्स एक्स की प्लेस पर है 100, ए की प्लेस पर है ब्रैकेट में माइनस का 5 और बी की प्लेस पर है ब्रैकेट में माइनस का 4। तो क्या तुम इस चीज को समझ पा रहे हो? अब सिंस वही हमारी आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए और बी हो रहा है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू 100 प्लस माइनस का 5, 100 प्लस माइनस का 4, कुछ इस टाइप से आपने यहाँ पर लिख लिया। देन एक्स की प्लेस पर 100 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस का 4, चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख लेना अगर दोनों साइन एक साथ नहीं लिख पा रहे हो तो, और बाहर x का मल्टीप्लीकेशन 100 का प्लस माइनस 5 का मल्टीप्लाई माइनस के 4 से, ठीक। इसका स्क्वायर होगा 1 1 जा 1 और ये 40 पहले करके दिखा दिया मैंने, इन दोनों का साइन सेम है माइनस और माइनस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 9 आएगा, माइनस का 9 मल्टीप्लाई कर रहा है 100 से। कुछ समय के लिए आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा सकते हो, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में होता है प्लस और 5 4 20, ये हो जाएगा 10,000 माइनस 900 प्लस 20, क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 9 1 9 एंड 100 प्लस 20। इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, या फिर दोनों को जैसे भी आपको सॉल्व करना है, तो 10,000 में से 900 जाएगा तो कितना आएगा 9,100, ठीक है बेटा, और उसमें प्लस 20 ऐड करना तो हो जाएगा 9,120। दिस इज द राइट आंसर। तो बात समझ में आ रही है, हमने दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पर एंड कर लिया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है 104 और 96 को एवेल्यूट करने का। तो बेटा यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई का साइन दिखाई दे रहा है, बट आपको मल्टीप्लाई करना नहीं है, आपको डायरेक्टली इवेट करना है बिना मल्टीप्लाई किए। तो कैसे करेंगे? आपको गेस करना है 100 के समथिंग है कि नहीं है ये, तो हम इसको सॉल्यूशन में गेस करके लिखेंगे कि ये जो है
इसको हम 100 के समथिंग 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, और इसको गेस करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। तो बेटा यहां पर हम लिखेंगे 100 माइनस 4, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये उसी आइडेंटिटी से फिर इसको हम सोल्व करना है, तो फिर इसको और इसको दोनों को प्लस में लेना पड़ेगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 100 प्लस 4 एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन में 100 प्लस माइनस का 4 कर लिया आपने, ठीक है बेटा। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय x प्लस ए एंड x प्लस बी, आपने x प्लस बी से इसकी कंपेयरिंग की, x प्लस बी से, तो x का वैल्यू बेटा यहां से मिलेगा आपको 100, a का वैल्यू बेटा यहां से मिलेगा आपको प्लस का 4, एंड b का वैल्यू यहां से बेटा मिलेगा माइनस का 4। सो सिंस आपके पास फॉर्मूला है कि x प्लस ए और x प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, सो देयरफॉर x का वैल्यू 100 प्लस a का वैल्यू 4, 100 प्लस b का वैल्यू माइनस का 4, 100 का स्क्वायर क्योंकि x का वैल्यू 100 है, प्लस 4 प्लस माइनस 4 इंटू 100 प्लस प्लस का 4 और माइनस के 4 का मल्टीप्लीकेशन, बस वैल्यू पुट करना है। 100 का स्क्वायर आ जाएगा 10,000, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 4 माइनस 4 होगा और ये हो जाएगा 0, 0 का मल्टीप्लीकेशन इससे, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म आएगा आपके पास 4 4 16, और प्लस माइनस माइनस, ये जो है माइनस का है ये प्लस है, तो आ जाएगा माइनस का 16। आप लिखोगे इसको 10,000 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 16, बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा आपको 10,000 में से 16 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 9,984, क्या हो जाएगा 9,984, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन सेकंड का थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो गया। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया हो तो बेरस YouTube चैनल DVK Maths Classes को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।